ग्रामों की अगर जैसे शिकायत आती है, संबंधित अधिकारी उसके शिकायत का निराकरण करेंगे और वहाँ जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो होंगे, निचले कर्मचारी, उनको कमल किया जाएगा कि भाई आप जाके पानी अरे सुनना पड़ेगा ना बाद में। बंधु एक के बता रहा है कि 12 गांव में पानी नहीं पहुंच रहा, तो पत्रकार बंधु के पास पूरी जब इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आपको बता रहा है। तो बोल रहे हैं ना कि कार्रवाई करेंगे, अब यहाँ बैठे बैठे गोली मार देंगे क्या? बोल कर लिया कि जहाँ शिकायत उनकी मिली ले पकड़ा है थोड़ा देर। सर मेरा ये प्रश्न था, उन्होंने बोला कि होंगे, अपन भी पूछेंगे काल पर। ये तो शिकायत आई है ना, ये बोल जानकारी देंगे सर। ये बोले थे कि मैंने नोट कर लिया, मैं संबंधित अधिकारी से बात। सर जी, जो योजनाएं बनाई गई सरकार द्वारा, उसमें जो आप जो बांध निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं पेयजल का, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था है खेती करने के लिए, उसको किस प्रकार से पानी को खेत तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? जैसे कि अभी पहले पूर्व में बताया कि जो तालाब, जी जी, तालाबों से कुछ नहरें भी गई, जी सर, तो नहरों के जरिए पानी पहुँचेगा खेत तक। मेरा एक प्रश्न था कि डैम के माध्यम से जो ग्रामीणों तक पानी पहुंचाया जाएगा, उसकी शुद्धता और स्वच्छता की क्या इंतजाम किए हैं कि उन तक शुद्ध स्वच्छ पानी पहुंचे? देखिए, शुद्धता के लिए अगर जैसे एक नज़र डालें तो आधुनिक तकनीक के जरिए पानी को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद ही ग्रामवासियों के लिए सप्लाई किया जाता है। तो फिल्टर की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर रखी गई है या डैम के आस पास? डैम के पास ही है। तो उसके लिए तो फिर फिल्टर प्लांट बनाना पड़ेगा ना। सर तो ये परियोजना, पूरी परियोजना, इसमें डैम बनी है, टंकी बनी, नहरें बनी है, इस पर कितने ग्रामीण विस्थापित हुए, कितनी जमीन विस्थापित हुई, उनके लिए क्या मुआवजे का प्रावधान है? पूर्व भी बताया गया था कि विस्थापन प्रक्रिया को रोक दिया गया जी। डैम बन चुका है, डैम बन चुका है, और जो पहाड़ थे साथ उनके बीचों बीच जो स्थल खाली था, उस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति नहीं है, जल भराव की है। सर सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए।